जय हिंद, डिजिटल अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। आज हम पेट्रोल सिस्टम यानी टोली पद्धति के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेट्रोल सिस्टम क्या होता है, पेट्रोल सिस्टम की विशेषताएं क्या होती है, पेट्रोल का नाम किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, पेट्रोल का ब्लैक क्या होता है, पेट्रोल का कोना क्या होता है, यानी पेट्रोल सिस्टम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। मैं आकाश अकेला, राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट सह एडवांस स्काउट मास्टर, अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो आज हम पेट्रोल सिस्टम से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पेट्रोल सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे कि पेट्रोल सिस्टम क्या होता है, पेट्रोल सिस्टम की विशेषताएँ क्या होती है, पेट्रोल का नामकरण किस प्रकार किया जाता है, पेट्रोल फ्लैग क्या होती है, पेट्रोल का कोना क्या होता है, इन सभी की जानकारी हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्काउटिंग गाइडिंग से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस चैनल पर हमेशा हम लाते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग पेट्रोल सिस्टम यानी टोलिंग पद्धति से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। पेट्रोल सिस्टम यानी टोली पद्धति के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल सिस्टम होता क्या है। भारत में पेट्रोल सिस्टम टोली विधि है, जो ट्रूप है, कंपनी है, क्रू है या टीम है, उसको टोली यानी पेट्रोल में बांट दिया जाता है। एक पेट्रोल में कम से कम 6 और अधिक से अधिक 8 सदस्य होते हैं। अब जानते हैं हम लोग पेट्रोल सिस्टम की विशेषताएँ क्या होती है। पेट्रोल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को असली जिम्मेदारी देना है। यह प्रत्येक लड़के को यह देखने के लिए प्रेरित करता है कि उसकी कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। इससे उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, लोकतंत्रात्मक भावना का विकास होता है, श्रम विभाजन के दृष्टिकोण की पुष्टि होती है एवं मनोवैज्ञानिक विकास का अवसर प्राप्त होता है। टोली विधि की सफलता पर बीपी ने स्वयं प्रयोग किया था। सन 1907 में 20 बालकों का एक शिविर, जिन्हें विभिन्न आयु वर्ग से चुना गया था और बीपी ने ब्राउन सी द्वीप में आयोजित किया। 5-5 लड़कों की 4 टोलियां बनाई गई। यह प्रयोग अत्यंत सफल रहा, जिसके आधार पर बेडन पावेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्काउटिंग फॉर बॉयज लिखी। तो हमने जाना पेट्रोल सिस्टम होता क्या है एवं उनकी विशेषताएं क्या है। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम लोग पेट्रोल सिस्टम में क्या क्या अनिवार्य है। तो सबसे पहला है पेट्रोल नेम, पेट्रोल एम्बलम, पेट्रोल कॉर्नर, पेट्रोल फ्लैग, पेट्रोल कॉल, पेट्रोल सॉन्ग इत्यादि पेट्रोल सिस्टम के लिए अनिवार्य है। अब इन सभी बिंदुओं को हम लोग विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है पेट्रोल नेम यानी पेट्रोल का नाम। जब किसी पेट्रोल या टोली का गठन किया जाता है तो उसका कोई नाम निर्धारित किया जाता है। स्काउट टोलियों का नाम जानवरों और पक्षियों के नाम पर निर्धारित किया जाता है, जैसे लायन, वुल्फ, टाइगर, पिकॉक, कोयल, पैरोट इत्यादि, एवं गाइड टोलियों या गाइड पेट्रोल का नाम पुष्प यानी फ्लावर के नाम पर निर्धारित किया जाता है, जैसे लोटस, लीली, सनफ्लावर, रोज इत्यादि। जब आप अपने पेट्रोल का नाम का चयन कर रहे हो तो निम्न बिंदुओं को आप लोग ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पेट्रोल टोली के लिए नामों का चयन करते समय उन्हें अपने जिले में पाए जाने वाले पक्षियों या जानवरों एवं फूल के नाम का चयन करना चाहिए। यानी जब आप पेट्रोल के नाम का चयन करते हैं तो जो आपके ज़िले में पशु पक्षी या फूल पाए जाते हैं, सबसे पहले आप उन नामों का चयन करना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पेट्रोल सदस्य के मेंबर के बारे में। एक पेट्रोल टोली में कम से कम 6 और अधिक से अधिक 8 स्काउट गाइड होंगे। टोली के प्रत्येक सदस्य को कोई ना कोई उत्तरदायित्व का कार्य सौंपा जाता है, जिसका क्रम निम्न हो सकता है। तो सबसे पहले है पेट्रोल लीडर यानी टोली नायक, उसके बाद है दूसरे नंबर पर खजांची यानी ट्रेजरार, तीसरे नंबर पर सचिव यानी सेक्रेटरी,
चौथे नंबर पर हमारा है भंडारी यानी क्वार्टर मास्टर, पाँचवें नंबर पर हमारा है लाइब्रेरियन एवं छठे नंबर पर हमारा है विनोदी और सातवें नंबर पर हमारा है हाइक लीडर एवं आठवें एवं अंतिम है सहायक पेट्रोल लीडर। ये जो क्रम आपको बताए हैं इसी क्रम में सभी पेट्रोल को असेंबल भी होना चाहिए जब आप कई पेट्रोल के अनुसार खड़े होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम लोग पेट्रोल कॉर्नर यानी टोली का कोना के बारे में। किसी मैदान या कक्ष में जहां टोली के सदस्य एकत्रित होते हैं, अपने सामान को रखते हैं, प्रशिक्षण या अभ्यास करते हैं अथवा सभा करते हैं, उस स्थान को पेट्रोल कॉर्नर कहा जाता है। यानी पेट्रोल के सदस्य जहां अपने सामान को रखते हैं, अपना प्रशिक्षण करते हैं, अभ्यास करते हैं एवं अपनी मीटिंग्स को करते हैं, उस स्थान को पेट्रोल कॉर्नर कहा जाता है। अब जानते हैं हम लोग आगे पेट्रोल फ्लैग यानी टोली का झंडा के बारे में। प्रत्येक पेट्रोल टोली का अपना एक ध्वज झंडा होगा जो उसके टोली के नाम के अनुरूप चिन्ह के अनुसार हो। टोली के झंडे के नाप का आधार 20 सेंटीमीटर तथा दोनों भुजाएं 30-30 सेंटीमीटर के सफ़ेद कपड़े का त्रिभुजाकार ध्वज होता है जिसके मध्य में लाल रंग से टोली का चिन्ह बना होता है। यानी पेट्रोल फ्लैग जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है एवं उसमें जो पेट्रोल चिन्ह बना होता है वो रेड कलर यानी लाल रंग का होता है एवं टोली के आधार का नाप 20 सेंटीमीटर एवं दोनों भुजाएं 30-30 सेंटीमीटर की होती है। अब जानते हैं हम लोग आगे टोली निनाद आदर्श वाक या पेट्रोल कॉल के बारे में। प्रत्येक टोली अपने नाम को सार्थक करने के लिए उस जानवर, चिड़िया, पुष्प आदि का प्रतीक निनाद आदर्श वाक्य या कॉल चुन लेती है जिससे वह समय समय पर अपनी टोली का परिचय देती है। पेट्रोल कॉल अपने सदस्यों के लिए गुप्त संकेत भी है। उसके बाद हम लोग चलते हैं और जानते हैं हम लोग पेट्रोल सॉन्ग यानी टोली गीत। प्रत्येक टोली अपना कोई प्रिय गीत चुन लेती है जिसे उसके सभी सदस्य मिलकर गाते हैं, खासकर विशेष समारोह पर। यानी प्रत्येक टोली का अपना एक पेट्रोल सॉन्ग होता है जिसे वो विशेष समारोह पर गाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पेट्रोल इन काउंसिल यानी टोली सभा के बारे में। टोली नायक अपने विचारों को सदस्यों पर नहीं थोपता है बल्कि सदैव उनके विचारों को जानने का प्रयास करता है। टोली के सभी सदस्यों की बैठक कर आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं जिसे टोली सभा पेट्रोल इन काउंसिल कहा जाता है। टोली नायक इस बैठक की अध्यक्षता करता है। इसमें टोली के सभी सदस्य स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करते हैं और सर्वसम्मति से निर्णय लेकर कार्यान्वित किए जाते हैं। यानी पेट्रोल इन काउंसिल में सभी टीम के सभी पेट्रोल्स के मेंबर एक साथ बैठक कर मीटिंग कर सर्वसम्मति से निर्णय लेकर कार्यान्वित किए जाते हैं। तो पेट्रोल इन काउंसिल की जो अध्यक्षता करते हैं वो करता है पेट्रोल लीडर यानी टोली नायक इसके अध्यक्षता करते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि स्काउटिंग गाइडिंग से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस चैनल पर हमेशा हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।